हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉगिंग वीडियो। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं प्रणव अलोनी व्लॉग्स। सो आज हम आ चुके हैं गायगांव से थोड़ी दूर एक बहुत सुंदर टेंपल है जिसका नाम है अंतरी महादेव। सो ये रहा उसका मेन गेट। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ी सी पार्किंग के लिए जगह है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए कुछ बनाया है इन्होंने। और यहाँ की जो ग्रीनरी है तो मैं बता ही नहीं सकता कि इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस ग्रीनरी को देख के। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पर बहुत सारे बैनर्स लगे हैं और ये टेंपल के अंदर जाने का रास्ता। सो यहाँ पर थोड़े स्टैचूज लगे हैं और कुछ पेड़ है। यहाँ पर कुछ डेकोरेशंस की है बॉटल की तरह। और यहाँ पर थोड़े से कुछ फोटोशूट निकालने के लिए कुछ चीज़ें रखी गई है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर बोटिंग के लिए थोड़ा सा एक टैंक बनाया रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग के लिए ये रहे कुछ बोट्स और ये है पानी। यहाँ पर छोटे बच्चे या फिर सब कुछ बोट चला सकते हैं। ये बोट्स जो है वो पूरी तरह से मैनुअल है, ऑटोमेटिक या कुछ भी नहीं है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मंदिर के मेन गेट से होके अब हम मंदिर में जाने वाले हैं। सो ये रहा आउट व्यू ऑफ टेंपल। सामने की थोड़ी जगह जहाँ पर लोग फोटोज निकालते हैं। सो अब हम जाएंगे इन साइड और टेंपल ये रहा और उसके साइड में ये बहुत बड़ी लेक, इसका नाम तो मुझे नहीं पता मगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी लेक है। यहाँ पर लोग फोटोज भी निकाल रहे हैं और ये लेक इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसका जो दूर से डिस्टेंस भी मैं नहीं बता सकता आपको मेजर कितना है, तो लेक बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। सो अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे। सो ये यहाँ से टेंपल का एक छोटा सा व्यू दिखता है हमें और यहाँ से टेंपल के लिए अंदर का एक रास्ता है। ये जहाँ भी शंकर जी का मंदिर होता है वहाँ पर नंदी तो होना ज़रूरी है। सो ये रहा। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जमते हैं ऊपर की साइड में, यहाँ से दिखता है पूरी तरह से व्यू। हम फिर से आ गए लेक की तरफ। यहाँ पर थोड़ा पानी है इसलिए फिसलन है और ये लेक कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। Thank you.
गाइस अब हम चलाने वाले हैं बोट, और बोट की जो प्राइस है वो इस यहाँ पर लिखी हुई है। सो अब हम चलाने वाले हैं बोट, सो वीडियो देखिएगा आगे। चुके हैं अन्नपूर्णा प्योर वेज एंड फैमिली रेस्टोरेंट में।
जाने वाले हैं घर पे। सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो उसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और जय श्री राम।